ससुराल सिमर का से दीपिका कक्कड़ को एक नई पहचान मिली। उनके नाम से ज़्यादा सिमर के नाम से दर्शक उन्हें पहचानते हैं। 7 साल के बाद दीपिका ने बतौर बड़ी सिमर ससुराल सिमर का 2 में एंट्री की थी। इससे पहले भी उन्होंने सिमर भारद्वाज की भूमिका निभाई और 6 साल तक इस शो का हिस्सा रही। लेकिन हमारे सूत्रों की माने तो दीपिका ने अब इस शो को अलविदा कह दिया है। अब आगे की कहानी छोटी सिमर ही आगे बढ़ाएंगी। दरअसल ये बात पहले से तय की गई थी कि दीपिका कक्कड़ और उनके पति सोएब इस शो को स्थायी रूप से हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्हें केवल शुरुआती एपिसोड में सिमर और प्रेम के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रोडक्शन की तरफ से अप्रोच किया गया था। ससुराल सिमर का 2 की कहानी अविनाश मुखर्जी, राधिका मुथो कुमार, करण और तानिया शर्मा के किरदारों के बारे में है। हालांकि दीपिका और शोएब इस कहानी के पुराने दर्शकों को आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। ससुराल सिमर का 2 में अब तक की कहानी में हमने देखा आरव की शादी रीमा से तय हुई थी, लेकिन शादी के वक्त रीमा मंडप छोड़कर चली जाती है। दरअसल रीमा को मिस इंडिया में शामिल होने के लिए कॉल आता है। इस फ़ोन कॉल के बाद अपने प्यार और करियर के बीच प्रैक्टिकली ख्यालों वाली रीमा अपने करियर को चुन लेती हैं और किसी को बिना बताए आरव को अपने परिवार को छोड़कर शादी से भाग जाती है। जब यह बात छोटी और बड़ी सिमर को पता चल जाती है तब वे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। रीमा के चले जाने के बाद छोटी सिमर को रीमा की जगह दुल्हन का जोड़ा पहनाकर आरव के साथ शादी करने के लिए कहती है और छोटी सिमर भी उनकी बात मानते हुए आरव से शादी कर लेती हैं। हालांकि शादी होने तक इस बारे में सभी लोग अनजान रहते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि आरव की शादी छोटी सिमर से हुई है तो दूल्हे के साथ साथ पूरा परिवार शॉक्ड हो जाता है। लेकिन यहीं पर बड़ी सिमर यानी दीपिका कक्कड़ की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि माता जी की बहन ने उन्हें आरव के लिए अपनी परछाई ढूंढने की जिम्मेदारी दी थी। जी हाँ, तो आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।